बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बरेली में इन दिनों नेपाल के हाथियों ने आतंक मचा रखा है। एक सप्ताह के अंदर हाथियों ने एक किसान और एक वन रक्षक को मौत के घाट उतार दिया है। हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत है। वहीं आपको बता दें कि वन रक्षक हेमंत को टीम के साथ में हाथियों को रेस्क्यू के लिए भेजा गया था। दोनों हाथी खेत के अंदर झाड़ियों में छिपे थे। वन रक्षक हेमंत कुमार जैसे ही झाड़ियों की तरफ गए तो हाथियों ने उन्हें पैरों से कुचल कर घायल कर दिया। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हेमंत कुमार की मौत से जहां एक ओर वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं उनके परिवार में भी मातम पसरा है। टिकड़ी के जंगल में बाघों में। अच्छा, आप मौजूद थे वहाँ? हाँ, मैं सूचना आई थी हमारे पास, इवेंट रहा था तो हम उसको चले गए थे। अच्छा, तो आप उसके बारे में बताइए, मौजूद थे कैसे? परिवारी थे, हेड कांस्टेबल एसपी 555 बाद। अच्छा, तो क्या कैसे घटना हुई, इसके बारे में बताइए। घटना ये हुई जी, हम वहाँ पहुँचे, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते थे हाथियों का जी। तो थाने के एसओ साहब को हमने सूचना दी, हमने कंट्रोल रूम को सूचना दी अपने, वहाँ से वन विभाग की टीम भी, एसओ साहब भी हमारे मौके से मौजूद जी। तो फिर तो हमारा तो इतना ही काम रहता, 100 नंबर का था। थोड़ी वो जैसे पहले तो आए थे शुरू में, क्या कहते हैं, मढ़िया के पास में। ये कौन से गांव की बात है? हाँ, कौन से पहले की बात है? ये गांव कौन सा है? ये वो है टिगड़ी। अच्छा, टिगड़ी है, ठीक है। टिगड़ी था तो उसके फिर मौके पे आने के बाद में फिर उन्होंने आम आम खाए थे। अच्छा। और क्या कहते हैं, चारपाई वगैरह फेंकी थी, साइकिल वगैरह फेंकी थी उसमें। अच्छा। उसके बाद में फिर वो अंदर के लिए चले गए थे। उसके बाद में फिर क्या कहते हैं, साहब और दरोगा जी थोड़ा वीडियो बनाने के लिए गए थे। अच्छा। वीडियो बनाई थी तो वो उसने ये देख, जब ये वीडियो बना रहे थे तो वो अंदर से निकला तो वो चीख मार के इनके ऊपर के लिए निकला था दौड़ने के लिए, जब तक ये भाग नहीं। इसी बीच में फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लाइव टुडे के साथ।